अस्सलाम वालेकुम आज यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है लेमन ग्रास, जो वाटर होता है, ठीक है। इसका हम मतलब सारी जो भी इसकी में खसूसियात होती है वो इस पानी में आ जाएंगी, और फिर हम इस पानी से हेयर को वॉश करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, मैंने इसको खुद ट्राई किया है। और लेमन ग्रास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये एक जड़ी बूटी की तरह से होते हैं ना। आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा लेमन ग्रास। अच्छा, तो आपने इसको लगातार जो है वो 4 वीक्स तक यूज़ करना है, जिसके बाद आपको इसके ज़बरदस्त से जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो है वो इसे प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे आग जला ली थी और मैंने यहाँ पे पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। जैसे मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हमारा जो किचन है वो अभी बना नहीं है, तो इस वजह से मैं बाहर मतलब ये यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ, तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। गर्म होना चाहिए पानी, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब इसमें बबल्स बन रहे हो, बहुत ज़्यादा बॉयल आ रहा हो, तभी ये अच्छे से बनेगा। अच्छा जी, जब ये बिल्कुल गर्म हो जाए पानी और बबल्स बनने लग जाएं, तब हमने इसमें ऐड करना है 1 मुट्ठी लेमन ग्रास जो होती है, जिसकी हम टी भी पीते हैं वही वाली, आपने वो उसके अंदर डाल देनी है। अभी आप देखेंगे कि मेरा जो पानी है वो बॉयल हो रहा था, जब तक पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक आप लोगों ने बिल्कुल भी लेमन ग्रास जो है वो बीच में ऐड नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो उसको पकने में भी डबल टाइम लगेगा और वो सारे जो मिक्सचर हैं उसकी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो पानी के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा हेयर टॉनिक होता है, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें इसके। अच्छा, आपने ना बालों की जड़ों तक ज़रूर पहुंचाना है ये पानी, ठीक है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से मतलब लगा रहने देंगे तब आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसको बनाया, ठीक है। फिर आपने उसको ठंडा होने देना, ये नहीं कि आपने वो गर्म गर्म जो है वो उसी से वॉश करने, नहीं आपने। अब ये देखें ज़रा, ये है मेरे पास जो मेरा लेमन ग्रास पड़ा हुआ था, इसको मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ वगैरह में रेमिडीज़ में यूज़ करती रहती हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूँ, यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोगों को टाइमली मिल सकें। यहाँ पे अब पानी गर्म हो रहा है और इसके अंदर मैंने अब ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में लेमन ग्रास है और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको आप पकने दें, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट तक आप इसको पकने दें, जब तक इसका अच्छा सा प्यारा सा फ्लेवर, इसका कलर नहीं निकल जाता, ठीक है। और आपको इसकी बहुत प्यारी खुशबू जो है ना फील नहीं होने लग जाती, तब तक आपने इसको पकने देने, ठीक है। तो ये पकता रहेगा और दरमियानी आँच होनी चाहिए, इतनी तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यही कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा काइंडली, क्योंकि ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिल जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा रश है यूट्यूब पे, फिर आपसे मिस हो जाएगी, फिर आप ढूंढते पड़ेंगे कहाँ है मुस्लिमा व्लॉग्स। चलिए जी, मेरा जो लेमन ग्रास वाटर है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद जो है हम इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे। मैं आपके साथ लाइव रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल पे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अच्छा जी, और यहाँ पे पकते पकते जो है वो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं हेयर्स के अलावा एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप लेमन ग्रास वाटर को पिए भी तो आपकी जो फर्टिलिटी होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो लेमन ग्रास है वो ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पे मतलब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि लिखा है कि इसको अपना रूम टेम्परेचर पर गर्म ठंडा होने दें, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको जो है ना कप में निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसको एक बॉटल में, प्यारी सी बॉटल में रख लेंगे, और देन हम इसको एज अ हेयर टॉनिक जो है वो अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आप बस यहाँ से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि लाइक करने के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं और हमें भी इसकी कोई पेमेंट नहीं मिलती है, सो लाइक करने के आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं, ना ही हमें कोई इसकी पेमेंट मिलती है। बस ये होता है कि वीडियो रैंक करना शुरू हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको कप में निकाल लिया, मैं इसको ठंडा होने दूंगी, देन आई विल कीप इट इन अ बॉटल, और उसके बाद मैं इस वाले ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इसके साथ अपने हेयर्स में अप्लाई कर दूँगी।
अब जानते हैं लेमन ग्रास की कुछ खसूसियात के बारे में। तो लेमन ग्रास जो है वो ब्लड प्रेशर को है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो गाइस, अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं न्यू वाली वीडियो में।